हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर पर आज की जो प्रेजेंटेशन होने वाली है बहुत ही मज़ेदार होगी है ना और मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ मैं हूँ डॉक्टर गौरव और बी एम एस हूँ सर्टिफिकेट इन पंचकर्मा ऑल्सो शुरू करते हैं हम एक कहानी से लेकर के एक पेट्रोल पम्प था वहाँ पर एक शानदार गाड़ी आकर के रुकी अब उस गाड़ी को देख करके वहाँ का जो पेट्रोल भरने वाला था वो कहने लगा कि क्या शानदार गाड़ी है तो उस गाड़ी का मालिक कहता है कि क्या हुआ तुम्हारे को ये गाड़ी पसंद आई कि हाँ सर मैं भी सोचता हूँ कि मेरे पास भी ऐसी ही गाड़ी हो तो मज़ा आ जाए ओके तो वो गाड़ी का मालिक उसको एक कार्ड निकाल के देता है कहता है कि ये मेरा कार्ड है तुम आना मुझे कांटेक्ट करना और मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि कैसे तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो अब उसने वो कार्ड लिया और वो मर्सिडीज़ वाला निकल गया वहाँ से टाइम बीता छः महीने एक साल दो साल तीन साल चार साल चार साल बाद फिर से एक और गाड़ी वहाँ पर आकर के रुकी और वही पेट्रोल पंप वाला उसमें गाड़ी में फ्यूल भरने लगा और फिर से उस गाड़ी को निहारने लगा तो उस गाड़ी से इस बार एक लेडी निकली अब आ, उसने लेडी ने कहा कि भैया आप चार साल पहले भी यहाँ पे पेट्रोल पंप भर पेट्रोल भरते थे ना उसने कहा कि हाँ आपको कैसे पता कि आप चार साल पहले भी एक गाड़ी यहाँ पे रुकी थी और आप उसको बहुत अच्छे से देख रहे थे उस मालिक ने आपको एक कार्ड दिया था अपना और आपने उस कार्ड को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था और मैं वहीं पीछे खड़ी हुई थी ये जो लेडी आप देख रहे हैं वही पीछे में खड़ी हुई थी तब मैंने उस कार्ड को उठाया और मैंने सोचा कि क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को देखा जाए लिया जाए जिससे कि कुछ अगर हो सकती हैं संभावनाएं ऐसी तो देखते हैं तो उस उसके बाद में उसने वही चीज़ की जो उस पर्सन ने बताई थी और ऐसे ही आज आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आप लोगों को बहुत से लोगों ने इनवाइट किया होगा कि आइए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है और इसको देखते हैं तो शुरू करते हैं हम हमारी डी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग को जो आप देख रहे हैं डीएक्न आरबीसी चैनल पर फर्स्टली मैं थैंक यू करना चाहूंगा उस ईश्वर का जिन्होंने हमारे को इस धरती पर एक रोल अदा करने के लिए भेजा है हमारे माता पिता का जिनकी वजह से हम इस धरती पर आए डॉक्टर लिम का जिन्होंने डीएक्सन कंपनी को डेवलप किया इज़ अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी 1993 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी उसके बाद में मैं थैंक यू करना चाहूँगा मिस प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का जो कि हमारे गुरु माता गुरु पिता हैं है ना उसके बाद आर एस रंजन सर का जिनकी एजुकेशन का जवाब ही नहीं फिर मैं थैंक यू करना चाहूँगा यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर भरत गर्ग सर का और शिप्रा भाभी का क्योंकि इन्होंने मेरे को हर टाइम हर जगह पर बहुत अच्छा सा सपोर्ट किया है उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे आईएमडी मिस्टर के एम रफीक सर का जिनकी प्रेजेंटेशंस वाकई में लाजवाब होती हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है सवेरा सर का जिन्होंने अगेन कुछ ना कुछ अगर मेरे को बीच में पेशेंट से रिगार्डिंग कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं तो बखूबी सर ने मेरे हेल्प किया है फिर मैं थैंक यू करना चाहूँगा जिनके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है मेरे ग्रेट अप्लाय मिस्टर भारत भूषण सर और चित्रा मैम का इनको मैं मामा मामी भी कहता हूँ है ना और इन्होंने हर टाइम मतलब अपने से पहले मुझे स्टॉक पॉइंट दिलवाया अभी तक इन्होंने कोई स्टॉक पॉइंट नहीं लिया लेकिन एक होता है ना कि भाई अपने से पहले अपने डाउनलाइन के बारे में सोचना तो इन्होंने हमेशा मेरे को अपना एज अ पार्टनर सोचा और इसके लिए थैंक यू थैंक यू सो so मच और मेरे को आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं फिर अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को लेकर के हम DxN को एक करियर के रूप में चुने तो क्यों चुने ऐसी क्या वजह है क्योंकि आपने हर हमेशा देखा होगा प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि चार प्रॉब्लम्स होती हैं मनी सिक्योरिटी हेल्थ है ना तो इन चीज़ों को लेकर के हमारे को कुछ ना कुछ इशू रहते हैं तो बेहतर है कि भाई हम डीएक्सन को क्यों चुने आज इसके बारे में जानते हैं लेकिन उससे पहले मैं मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं अगर वो क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा तो पहला क्वेश्चन है क्या आप अपनी उस आमदनी से खुश हैं जितना आप हर महीने कमा रहे हैं आर यू सेटिस्फाई प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए मैं आपको देख रहा हूं जितने आंसर्स मेरे पास आएंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा है ना आर यू हैप्पी यस और नो यस और नो चलिए बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं दूसरा सवाल आप लोगों के लिए चलो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है पर क्या आप उस नौकरी से उस व्यवसाय से खुश हैं आर यू हैप्पी है वो लगभग पांच लाख रुपए महीना कमाता है और लेकिन पूरा दिन टेंशन में घिरा रहता है अब वो पूछता है कि यार मैं क्या करूं ऐसा क्या कुछ और ले सकता हूं तो ही इज हैप्पी विद हिज जॉब और बिजनेस तो आप लिखिए फिर से थर्ड क्वेश्चन आपके लिए क्या जिंदगी में आपकी कोई विकास योजना है आपने सब कुछ किया एक अच्छी जॉब है या आपका बिजनेस है आप अर्निंग कर रहे हैं बढ़िया चल रहा है आपके पास क्या ऐसी विकास योजना है जैसे अभी लॉकडाउन लौ, आया था पीछे और उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस अफेक्ट हो गए तो आपके पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि आपका कभी कोई बिजनेस अफेक्ट ना हो आपकी जॉब अफेक्ट ना हो यस और नो यस और नो नो ओके, व्हाट्स योर फ्यूचर आप क्या क्या देखते हैं आपका फ्यूचर क्या देखते हैं अगले पांच साल में अगले तीन साल में अगले दस साल में अगले तीस साल में आप अपनी इनकम को कहाँ देखते हैं कहाँ आप वेरी करते हैं कहाँ आप रहेंगे कहाँ आप दिखेंगे इस चीज के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि यार आज आपकी अगर इनकम इतनी है आज आपकी अगर इनकम बीस हजार है या तीस हजार है तीन साल बाद कितनी होगी पांच साल बाद कितनी होगी क्योंकि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी लेकिन क्या आपकी आमदनी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है अगर नहीं तो आपको एक सुपर कॉप की तरह सुपर मैन की तरह उस आमदनी को अपनी को बढ़ाना होगा अगर आप अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे तो उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रहेगा आप फील अच्छा करेंगे नेक्स्ट क्या आप अपनी जिंदगी को इसी तरीके से बिताना चाहते हैं जैसे कि अभी तक आपने बिताई है यस और नो यस और नो यस और नो नो आपने ये महसूस किया अगर अभी नहीं करेंगे तो काफी देर हो जाएगी है ना अगर अभी से हम लोगों को डिसीजन लेना है तो हमें अभी ही डिसीजन लेना होगा क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है हम बहुत पीछे हो रहे हैं धीरे धीरे तो बेहतर है कि हम अब उस स्पीड को पकड़ लें उस रफ्तार को पकड़ लें ताकि हमारे को हमारी कंपनी को कोई भी पकड़ ना पाए और हम सबसे आगे खड़े हों और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग कि आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उस पैसे को लेकर के आप सिर्फ पैडल मार के उस पैसे के पीछे भागना चाहते हैं या उस पैसे को अपने पीछे भागाना चाहते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप शुरू करते हैं कि भाई नॉर्मली पैसे को लेकर के जो झंझट रहता है वो हमारे को रहता है कि जॉब्स है ना हम सुबह को जाते हैं उसके बाद में फिर आते हैं बस इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है और हमारी जो एक इनकम होती है वो कांस्टेंट चलती रहती है हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे ही हमारे को हमारी अर्निंग बढ़ती रहती है लेकिन हम हमेशा किसी न किसी लोन में या किसी इस तरीके के चीजों में घिरे रहते हैं अब जब हम रिटायर भी हो जाते हैं उसके बाद भी जॉब के लिए जाते हैं अब बुढ़ापे में यार जॉब कौन करता है लेकिन आज के टाइम में लोग करते हैं वो जाते हैं और फिर सर पकड़ के बैठते हैं यार ये मेरे से कैसे होगा करना तो पड़ेगा अब जबकि एज ऐसी है कि भाई आपको कहीं घूम करके आना चाहिए वर्ल्ड टूर पे ना तो ना सही कम से कम अपने नेशनल टूर पर ही निकल जाए है ना लेकिन ऐसा कितने लोग करते होंगे मुश्किल से एक या दो परसेंट लेकिन बाकी का क्या बाकी के पास एक बहाना है ना यार चलते फिरते रहना चाहिए हमारे अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारे हाथ पैर थोड़ा सा अकड़ जाएंगे तो इसीलिए जॉब कर रहे हैं लेकिन असल में क्या रीजन है वो सबको पता है फिर बात आती है हमारे स्मॉल बिजनेसेस की छोटे व्यवसाय लाइक कॉफी शॉप्स हो गई या अपना कोई एक छोटा सा रिटेल शॉप हो गई कपड़ों की या फ्लावरिंग का बिजनेस हो गया सैलून हो गया ये छोटे छोटे बिजनेस हमारे होते हैं लेकिन लॉकडाउन में क्या रहा क्या कोई भी कॉफी शॉप खोली क्या कपड़ा बिका क्या किसी ने बाल कटवाए घर पे ही काट लिए होंगे वो अलग बात है है ना अब स्मॉल बिजनेस की अगर हम छोटी सी बात करें तो बहुत से लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करके इस स्मॉल बिजनेस को बड़ा किया जाए अब बड़ा करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी लेना पड़ता है यार पैसा कहाँ से आएगा अच्छा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा चलेगा नहीं चलेगा ओहो अब ये चीज़ देखते हुए जो बड़े बड़े मार्ट्स हैं लाइक विशाल मेगा मार्ट हो गया आपका इजी डे हो गया है ना आपका बिग बाज़ार हो गया वहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं अब कोई भी पर्सन है वो कहाँ जाना पसंद करेगा और यहाँ इन बिग बाज़ार वगैरह में आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्ट्स में जाना पसंद करते हैं अब उसके बाद में एक और दौर आया ऑनलाइन शॉपिंग का तो अब मोस्टली लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऐसे में हमारे जो स्मॉल बिजनेस हैं वो कैसे चलेंगे उनकी जगह तो ये ले ले रहे हैं तो अब आपके पास इनकम ऑफ सोर्सेस क्या रह जाता है क्या आपके पास और इनकम ऑफ सोर्सेज हैं आपको बढ़ाने आते हैं अब बात करते हैं एस तिराई की एस तिराई यानी कि सीजनल इनकम को हम इसमें काउंट कर सकते हैं लाइक like, कोई भी प्रॉपर्टी डीलर है है ना वो जब प्रॉपर्टी बिकेगी तो उसके पास पैसा आएगा अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी तो उसके पास पैसा नहीं आएगा और कितने प्रॉपर्टी डीलर सक्सेसफुल होते हैं है ना मुश्किल से सौ में से दो या तीन लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से अर्न कर रहे होते हैं तो यही रेशो हर हर फील्ड में आपको मिलता है आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके पास भी जब बिजनेस होगा जब उनके पास नक्शे बनाने के लिए आएगा काम तभी वो उनको अर्निंग होगी नहीं तो नहीं होगी उसके बाद में कंसल्टेंट होते हैं है ना और मैकेनिक्स होते हैं कि भाई उनके पास गाड़ी वगैरह या बाइक्स वगैरह ठीक होने के लिए आएंगी तब उनको अर्निंग होगी कुछ और जॉब्स होती हैं तो ये सारी जॉब्स आती हैं हमारी सीजनल इनकम को लेकर के कि हमारे को सीजनल इसमें इनकम होती है नेक्स्ट हम चलते हैं अब हम ये करें ना करें करें तो क्या करें आपने देखा होगा एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो मार्केट में नाइन्टी फाइव रुपीज़ की टू एंड हाफ लीटर की मिलती है अगर उसका एक एवरेज निकाला जाए अगर आप गूगल करेंगे तो वो कितने रुपए पर लीटर की होगी क्या आपको आंसर पता है अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखिए ज़रूर लिखिए और ये बॉटल आपकी आती है सवा दो रुपये पर लीटर के आसपास आपको पड़ती है और कुल मिला के अगर ये बॉटल आपको पाँच रुपये में भी मिल जाती है तो भी आपको नाइन्टी फाइव रुपीज़ देने की क्या ज़रूरत है लेकिन देने पड़ते हैं है ना क्योंकि रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर और एडवर्टाइज़ करने वालों का पैसा किसकी जेब से आएगा कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं किसकी जेब से देगी कस्टमर की जेब से अब कस्टमर इस बात को समझता नहीं है है न तो अब हम एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं सपोज कि ये ये कोई एक्स पर्सन है और ये ना पूरे दिन में सौ कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचते हैं और ये सिर्फ पाँच रुपये उस पर कमाते हैं पूरे दिन का इन्होंने पाँच सौ रुपये कमा लिया अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना दस लोगों को अपने साथ जोड़ूँ और एक कोल्ड ड्रिंक पर जो मेरे को पाँच रुपये बच रहे थे मैं सिर्फ तीन रुपये बचाऊँगा बाकी दो रुपये उन लोगों को दे दूँगा एक्स्ट्रा सो so दैट uh, मेरे को कुछ अर्निंग हो थोड़ा सा बढ़े तो ऐसे करके उसकी अब इनकम कितनी हो गई तीन हजार रुपये पर डे की अब उसने कहा कि भाई आप लोग भी अपने नीचे दस दस लोगों को जोड़ो तो मैं आपको ना अपने मार्जिन कम करके आपको वो प्रॉफिट दूंगा तो अभी ये जो ऊपर वाला पर्सन है वो सिर्फ एक रुपया एक कोल्ड ड्रिंक पे बचा रहा है और उसके सौ लोग नीचे हैं सौ लोग सौ कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं और एक के हिसाब से फिर भी उसकी दस हजार पर डे की इनकम होती है अभी इन सौ लोगों को भी उसने वही एडवाइस किया कि आप लोग ना दस दस लोगों को ज्वाइन कराओ मैं अपना थोड़ा सा मार्जिन कम कर लूंगा और आप लोग जो है उस सोसो कोल्ड ड्रिंक को बेचना तो उन लोगों ने ऐसे ही किया अभी वो सिर्फ पचास पैसे बचाता है लेकिन फिर भी उसके पास कितना इनकम आ रही है पचास हजार रुपये पर डे की ये होती है हमारी नेटवर्क की पावर कि हम किस तरीके से नेटवर्क को अपने द्वारा चलाते हैं ना अब हम आ, सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आप गूगल करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सेल होती है वो होती है नेटो मार्केटिंग कंपनीज़ वेलनेस की वेलनेस कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर आप गूगल कर सकते हैं इसको है न अब हम इतने बड़े ब्रांड के साथ में हैं टी एक्सन एक ब्रांड है जो किस में काम करता है ऑब्वियसली वेलनेस इंडस्ट्री में आपको पता है तो हाँ लिखिए और क्या हमारी कंपनी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में भी काम करती है प्रोडक्ट प्रोवाइड yes, करती है तो अब अगर हम डीएक्शन व्यवसाय होगा तो कैसा लगेगा आप खुद के मालिक होंगे आपके पास खुद को जवाब देना है आपको कितना करना है कैसे करना है वो सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी आपको अगर एक लाख रुपए कमाना है तो आपको खुद को देखना है अगर आपको दस लाख रुपए कमाने आपको खुद को देखना है अगर आपको कुछ नहीं कमाना तो कुछ ना से तो कुछ नहीं होगा उसके बाद में डीएक्शन को चूज करने का दूसरा फायदा है कि आपके पास ना कोई नियत समय नहीं है कि भाई आपको दस से पांच की ड्यूटी करनी है आठ से दो बजे तक की ड्यूटी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए कि आपको काम कब करना है सुबह को करना है दोपहर को करना है शाम को करना है या छुट्टी वाले दिन करना है और इसी के साथ आप उन लोगों को चुनिए जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं है ना क्योंकि यहाँ पे आपको ये सुविधा मिलती है आप खुद चुनते हैं उन लोगों को और उसके बाद में हम बात करते हैं कि हम लोग कहाँ व्यवसाय अपना करना चाहते हैं कहाँ कौन सी जगह पे करना चाहते हैं लाइक किस सिटी में करना चाहते हैं किस टाउन में करना चाहते हैं किस विलेज में करना चाहते हैं या किस देश में करना चाहते हैं ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे को देता है हमारा डीएक्सन नेक्स्ट चीज होती है कि भाई हमारी जो इनकम है वो डिपेंड करती है कि हम कितना सेल कर रहे हैं कितना हमारी टीम बिल्डअप हो रही है तो जितनी ज्यादा बड़ी टीम होगी जितना सेल होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी नेक्स्ट क्या आपको निर्णय लें कि डीएक्सन को अपनी जीविका बनाने के लिए इसकी क्या क्या विजय हो सकती हैं कि क्यों हमारे को डीएक्सन को चुनना चाहिए तो सबसे पहली जो वजह है वो है लार्जेस्ट गैनोड्रमा कंपनी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको सामने निकल के आएगा कि ये जो गैनोड्रमा देने वाली जो कंपनी है है ना ये इसका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वो है हमारी डीएक्शन कंपनी आप इसको गूगल कर सकते हैं इवन किंग ऑफ हर्ब के बारे में भी आप जान सकते हैं फिर बारी आती है कि भाई इसके प्रोडक्ट्स किसी भी कंपनी के लिए जो है उसके प्रोडक्ट्स ही उसकी पहचान होती है तो प्रोडक्ट्स के मामले में अगर हम बात करें तो ए वन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पर क्वालिटी के बारे में कोई दिक, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद में बात करते हैं बाजार की यानी कि मार्केट मार्केट कैसा है मार्केट के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सिक्सटी सिक्स परसेंट सेल्स अगर हो रही है तो वो वेलनेस इंडस्ट्री में हो रही है पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में हो रही है तो हमारी कंपनी ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है तो इतनी बड़ी मार्केट को ग्रैप करने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की संचालन कैसा है आपको कैसा लगता है कैसा संचालन है इस कंपनी का लिखिए और इसकी शिक्षा प्रणाली आपने देखा होगा कि पिछले लॉकडाउन से यानी कि 2020 में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से हमारा ये चैनल आर चैनल शुरू हो गया था जिसमें हमारे गुरु माता गुरु पिता यानी कि डॉक्टर प्रोफेसर सर ने और रत्ना मैम ने इतनी मेहनत करके इस एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन ले आए ऑनलाइन लेकर आने का ये फ़ायदा है कि आज हम किसी भी कोने में बैठ कर के इस एजुकेशन को ले पा रहे हैं और कितनी जबरदस्त आपको एजुकेशन मिलती है तो ये इस डीएक्सएम कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है उसके बाद में डीएक्सएम तेजी से बढ़ती हुई कंपनी है जो 1993 में स्टार्ट हुई थी इसके फाउंडर हैं डॉक्टर दातो ना वन प्लस कंट्रीज में ये कंपनी फैल चुकी है इसके प्रोडक्ट्स ओवरऑल टू प्लस कंट्रीज uh, में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसका जो एच है वो मलेशिया है लेकिन जल्द ही इंडिया में भी इसका एच डेवलप हो जाएगा क्योंकि मलेशिया से भी तीन गुना बड़ा फॉर्म इंडिया के अंदर तेलंगाना सिद्धिपीठ में बन चुका है इंडिया के अंदर ये कंपनी 2000 में आई जिसमें डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर सर इस कंपनी को इंडिया के अंदर लेकर के आए उनका बहुत बहुत थैंक यू और ये कंपनी वन वर्ड वन मार्केट के कंसेप्ट बेस्ड है है ना सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे अवेलेबल आपको हो जाती है यानी कि कल्टीवेशन तो खुद की छत के नीचे है मैन्युफैक्चरिंग तो खुद के नीचे है और इसकी मार्केटिंग की बात करें तो भी वो खुद से करती है तो ये इस बिजनेस इस वन वर्ड वन मार्केट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से फुलफिल करती है अब अगर हम उत्पाद की बात करें तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पोषण चिकित्सा पर आधारित हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं डेली यूज़ कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आप उनको आसानी से खरीद सकते हैं और बहुत ही प्रभावशाली प्रोडक्ट्स हैं ग्राहक ना एक बार लेगा तो बार बार आएगा है ना ये ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई कपड़ा तो जैसी चीज़ तो है नहीं कि आपने एक बार कपड़ा ले लिया अब चार महीने छः महीने या दस महीने में उसका नंबर आएगा कि भाई अब वो आकर के खरीदेगा यहाँ आपका हर महीने कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल आउट होता है जो जितने आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती है अब प्रोडक्ट्स की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हमारे सबसे पहले आते हैं आर एंड एन जी एल का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन एन जी का, का काम होता है बैलेंसिंग उसके बाद में आता है हमारा क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि स्पिरुलिना आपको पता होगा कि धरती का सब सर्वोत्तम आहार है डब्ल्यू एच ओ का भी कहना है कि ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का सुपर फूड है उसके बाद में आता है रोज़ल रोजल एक ऐसा जूस है जो आपके यूटीआई इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है जैसे कि गर्मी का टाइम चल रहा है तो बहुत ही ठंडा और रिफ्रेशिंग आपको पेय पदार्थ के रूप में आप इसको ले सकते हैं फिर रहता है हमारे रोनी जी नोनी जी के अंदर नोनी प्लस रोजल दोनों मिक्स रहते हैं अब नोनी का जो काम होता है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी और नेचुरल पेन किलर है फूड एंड बेवरेजेस की अगर हम बात करें तो जब हम बच्चे थे तो हमारे को ना चॉकलेट बहुत पसंद हुआ करती थी मोस्टली लोगों को पसंद होती है कुछ को नहीं होती है ना अब तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चे तो अब घर में भी होंगे तो उन लोगों को भी दे सकते हैं उससे उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है इवन जब फर्स्ट डे से मैंने अपने बच्चे को स्पीडुलीना देना स्टार्ट कर दिया था और कोकोजी मिल्क uh, के साथ में मैं आज भी पिला रहा हूँ और अभी वो सेवन मंथ्स का हो चुका है आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट डे से स्टार्ट करना तो ये भरोसा है डीएक्सन का कि आप इसके किसी भी प्रोडक्ट को डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं कुकीज़ कोकीज़ की बात करें तो मुँह में पानी आ जाता है कुकीज़, कुकीज़। कुकी और कुकीज। अब कहा कि यार, हमारे को चाय तो बहुत पसंद है क्योंकि सबसे ज्यादा तो चाय पी जाती है 70 परसेंट मार्केट है चाय की तो मैं कहूंगा कि ऋषि गनोटी एक पचास पैसे पर कप का प्याला आपको पड़ जाता है पचास पैसे यस ओनली जस्ट अ फिफ्टी पैसा पर कप आप इसको ले सकते हैं आप एज अ ब्लैक टी के रूप में अगर आप इसको पीते हैं तो आपको ना तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ना गैस की प्रॉब्लम होगी बहुत अच्छे आपको इफेक्ट्स आएंगे इवन का जो बेनिफिट है है वो भी आपको मिलता अब आप कुछ लोग कहेंगे यार ब्लैक टी तो ठीक है लेकिन अगर ग्रीन टी हो तो हाँ बिल्कुल हमारी कंपनी ग्रीन टी भी देती है ये एकमात्र ऐसी ग्रीन टी है जिसके अंदर आपको टू परसेंट की फॉर्म में गेनोड्रोमा अवेलेबल होता है अच्छा चलो ठीक है ग्रीन टी तो ओके है लेकिन यार मेरे घर में ना अभी आ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मसाले वाली चाय हो तो मजा आ जाए हाँ बिल्कुल है ना दो तरीके की आपको मसाले वाली चाय आपको मिलती है मसाला डिप टी एंड लिंजी स्पाइस आ, ब्लैक टी तो आपको डिप टी लेनी है तो आप डिप टी यूज कर सकते हैं और मसाला टी आ, स्पाइस टी लेना चाहते हैं तो बहुत ही टेस्टी आ, और एनर्जी ड्रिंक है कुछ कहते हैं कि नहीं यार हम लोगों को दूध वाली चाय पीने का शौक है हाँ है ना हमारी कंपनी टी लाटे की फॉर्म में आपको दूध वाली चाय भी देती है जितनी पीनी है उतनी पीजिए आपको कभी इससे कोई एसिड नहीं बनने वाला और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको इसमें भी गेनोड्रोमा के सारे फायदे मिलेंगे देन कुछ कहते हैं कि यार नींबू वाली चाय के बारे में बहुत सुना है तो ठीक है आप नीबू वाली चाय भी पी सकते हैं आपको गर्म पीनी है गर्म पीजिए आपको ठंडी पीनी है आप ठंडी पीजिए जब आप इसको पीते हैं ना तो आपको एकदम से ऐसी एनर्जी फील होगी कि यार मैंने इतनी गर्मी हो रही है और मैंने आकर के एक गिलास अगर लेमन जी पी लिया तो मेरे अंदर वापस से ऐसी एनर्जी आ जाती है अब बहुत से कह रहे होंगे यार चाय 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 कॉफी कब आएगी कॉफ़ी बिल्कुल आएगी ये है आपकी लिंजी कॉफ़ी टू इन वन ब्लैक जिन लोगों को ब्लैक कॉफी पसंद है वो ब्लैक कॉफी पी सकते हैं कुछ कहेंगे कि यार दूध वाली हो तो इसको हम दूध में डाल के पी सकते हैं नहीं यार इसको दूध में डालने की क्या जरूरत है आपके पास है ना लेंजी कॉफी थ्री इन वन इसके अंदर आपको कॉफी बीन्स भी मिलेंगी गैनोडरमा का फायदा भी मिलेगा और इवन इसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड होती है तो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है बस आपको चाहिए कि गर्म पानी ठंडे पानी में आप जिसको कोल्ड कॉफ़ी चाहिए वो ठंडे पानी में यूज़ कर सकता है उसके बाद में कुछ ने कहा कि कैपेचिनो वाली कॉफ़ी होगी क्या बिल्कुल है वाइट कैफेचिनो, वाइट जीनो आप कॉफ़ी का यूज़ करेंगे तो आपको वही टेस्ट वही चीज़ आपको फ़ील होगी एकदम क्रीमी लुक में है ना बहुत अच्छी कॉफ़ी है ये बहुत ही लाजवाब बहुत टेस्टी उसके बाद में आ, कुछ लोग क्या किया करते थे लेंजी कॉफी थ्री इन वन और कोकोजी दोनों को मिक्स करके पिया करते थे तो कंपनी ने कहा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ ना तो कंपनी ने इस चीज का ध्यान रखते हुए हमारे को का दे दी एक बैलेंस फॉर्म में क्योंकि पहले क्या होता था कभी लेंजी कॉफी थ्री इन वन ज्यादा हो गई कभी कोकोजी ज्यादा हो गया तो वो मिक्सअप नहीं हो पाता था कभी कभी टेस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाया करता था लेकिन जीमोका का टेस्ट गजब है अब ये तो हुई गेनोडोमा वाली कॉफ़ी की बात कोई और भी है यार हाँ बिल्कुल है ना कॉडिसप्स कॉफी कॉडिसप्स के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो ये सबसे महंगी जड़ी बूटी है और ये आपको इंडिया के अंदर कॉफ़ी की फॉर्म में मिल रही है इसका टेस्ट मावलस है मतलब आप अगर किसी को एक बार इसका पूरा सेचेट का कॉफी पिला देंगे ना वो गारंटेड आपसे पूरा पैकेट खरीद लेगा ये पावर है इस गेनोडोमा इस कॉडिसप्स कॉफ़ी की अब आ, कहा कि भाई कुछ खाने पीने में भी है हाँ बिल्कुल है सीरियल्स हैं सीरियल्स दो तरीके के हमारे पास कॉडिसप सीरियल और स्पिरुलिना सीरियल्स कॉडिसप सीरियल का अलग टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट है स्पिरुलिना सीरियल्स आप जानते ही हैं स्पिरुलिना के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे स्पिरुलिना के बारे में आपको एक चीज़ बता दूँ कि का, अगर एक ग्राम न्यूट्रिशन की हम बात करें स्पिरुलिना के तो वो इक्वल होता है वन केजी के जी ऑर्गेनिक एंड वेजिटेबल के न्यूट्रिशन के बराबर तो तो सब्जी कितने रुपए में आएंगे कमेंट कीजिए जी हाँ लगभग डेढ़ सौ रुपए के आसपास में डेढ़ सौ दो सौ रुपए के आसपास में पड़ेंगे लेकिन अगर मैं बात करूं स्पिरुलिना सीरियल्स की या एक ग्राम स्पिरुलिना की तो जस्ट एंड जस्ट ट्वेल्व रुपीज़ वो कॉस्ट करता है तो बारह रुपये सस्ते हैं ये आपके डेढ़ सौ रुपये वो आप देखिए उसके बाद में बारी आती है वर्जिन कोकोनट ऑयल की गैनो वर्जिन कोकोनट ऑयल वन परसेंट की फॉर्म में इसमें गैनोड्रमा होता है आप इस कोकोनट ऑयल को पी सकते हैं लगा सकते हैं आप कैसे इसके पराठे यूज़ कर सकते हैं रोटी पे लगा करके खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसका गैनोरमा आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल है इवन ये जैसे बहुत से लोगों को घुटनों की शिकायत घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं अब अगर हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करें तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं उठने के बाद में ऑब्वियसली पेस्ट करेंगे तो ये कंपनी हमारे को पेस्ट देती है और इस पेस्ट को करने से आपको पैसा आएगा वो कैसे आएगा वो मैं आगे बताऊंगा फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम नहाते हैं ऑब्वियसली नहाने से भी आपको पैसा आता है शैम्पू करने से भी पैसा आता है शैम्पू आपके बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है इवन अगर इस टूथपेस्ट गैनो मसाज ऑयल और शैम्पू का मिक्सअप करके आप यूज़ करते हैं ना तो जिसके बाल जा भी चुके हैं और वन परसेंट की फॉर्म में अगर उसके वहां पे थोड़ा बहुत रुआ भी है तो वापस से बाल रीग्रोथ हो जाते हैं ये मैंने अपना पर्सनल जो पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके देखा ये वाकई में काम करता है उसके बाद में टेलकम पाउडर बहुत ही अच्छा है उसके बाद में आ जाता है आपका नीली तेलम आप इसकी चप्पी करके सोएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी ट्वेंटी हावर्स इसके अंदर है फिर स्किन केयर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसकी ना स्किन बिल्कुल जैसे बेबी होते हैं ना क्यूट से प्यारे से ना उनकी तरह हो तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ऐसी ही हेल्दी और यंग दिखे तो आप इसको डेली में दो बूंद अगर आप लेकर के इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे कर चेहरे पर अपना कहीं और भी तो आप इसको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा आप इससे मसाज भी कर सकते हैं लाइक आपने क्लीनिंग करी आपने गेनो मसा गेनोजी सोप से आपने क्लीनिंग करी उसके बाद में आप इस चबी बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं लगभग दस बूंद लेकर के आप फेस की मसाज करिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद में ट्री क्रीम है इसके अलग अपने फ़ायदे हैं इंसेक्ट बाइट हो गया कहीं पे कुछ आपको वुंड है घाव है तो आप इसको लगा सकते हैं नाइट क्रीम के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं देन आता है क्लिनजिंग जेल भाई हम सोप यूज़ नहीं करते हम तो फेस वॉश यूज़ करते हैं आता है क्या हाँ बिल्कुल आता है आप क्लिजिंग जेल यूज़ कीजिए और बॉडी लोशन तो इसका बहुत ही अच्छा है अगर मैं बात करूँ कि भाई मार्केट की मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा कि 50 ग्राम की जो मॉइस्चराइज़र क्रीम होती है आपके यूवी प्रोटेक्शन के लिए वो लगभग ढाई सौ रुपये तीन सौ रुपये पाँच सौ रुपये तक पहुँच जाती है ना? लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज़ डी प्राइस में टू फिफ्टी आपका बॉडी लोशन प्रोवाइड कर रही है तो आपको ये हर तरीके से प्रोडक्ट करती है तो ये तो बात रही हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में कि भाई सारे प्रोडक्ट्स हो गए अब और क्या चीज़ें है? चीज़े हैं और चीज़ें भाई हम अब बात कर लेते हैं कि इनकम क्या होगी आपने कहा था कि भाई नहाने से पैसा आएगा टूथपेस्ट करने से पैसा आएगा हाँ हर चीज़ को इस्तेमाल करने से पैसा आएगा कैसे आएगा सबसे पहला जो बेनिफिट होता है आपको वो होता है आपका रिटेल प्रॉफिट रिटेल प्रॉफिट होता है लगभग टेन टू ट्वेंटी परसेंट है ना उसके बाद में आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया उस पर कंपनी कहती है कि मैं आपको सिक्स टू ट्वेंटी वन परसेंट आपको वापस भी दूंगी है ना उसके बाद में फिर कहती है कि अगर आप लोगों को शेयर करते हैं तो आपको स्टार ग्रुप बोनस भी हम प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा ट्वेंटी टू थर्टी अगर आप लोगों को डेवलप करते हैं तो वहां पे आपको फाइव टू फिफ्टीन परसेंट का डेवलपमेंट बोनस मिलेगा लीडरशिप बोनस मिलेगा फाइव टू फिफ्टीन परसेंट टी एस आई टू परसेंट प्रॉफिट शेयरिंग टू परसेंट मोबाइल इंसेंटिव बारह हजार पाँच सौ ओवरसी इंसेंटिव एक लाख रुपए एक लाख वाओ और टेंथ इनकम आती है इसकी आई तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये इनकम हमारे को किस किस तरीके से मिल सकती है तो सबसे पहले जो हमने बात करी रिटेल सेल्स की तो कोई भी चीज़ होती है उसकी एम भी होती है उसका डी पी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है और एम में से अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट भी आता है प्रॉफिट आएगा तो पी भी उस पर कुछ ना कुछ होंगे और सेल्स वैल्यू भी होगी तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पिरना वन थ्री सिक्सटी कैप्सूल्स की इसकी जो एम है वो चौदह सौ पचानवे रुपये है डी प्राइस बारह सौ रुपये अब अगर हमने इस स्टूलिना को यूज किया खुद के लिए कंज्यूम किया तो मैंने दो सौ पचानवे रुपए बचा लिए और अगर, अगर, अगर मैंने इसको सेल आउट कर दिया तो टू नाइन्टी फाइव रुपीज मैंने तुरंत तुरंक कमा लिए वाह मतलब इतना अच्छा मौका आपको और कहाँ मिलेगा और साथ में आपको मिलता क्या है फाइव हंड्रेड पीवीज आपको मिलते हैं सेल्स वैल्य। सेल्स वैल्यू मिलती है आपको छ सौ पंद्रह रुपए नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा ऋषि गेनोटी ऋषि गेनोटी कितनी प्राइसिंग है चार सौ तीस रुपए इसकी एम आर पी है तीन सौ पैंतालीस रुपए इसका डीपी प्राइस है और एट्टी फाइव रुपीज आपका डिफरेंस आता है इस पर पी वी वन थर्टी फाइव है हर प्रोडक्ट पे अपना अलग अलग पी वी एंड एस वी है उसके बाद में हम सोप की बात करें तो वन ट्वेंटी फाइव का इसका एम आर पी है वन जीरो फाइव का इसका डी पी प्राइस है और आपको इस तरीके से बीस रुपए इस पर बच जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो जो प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं उसको परचेज कर सकते हैं है ना और अब तो वैसे भी कंपनी ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दी है कि आप इसमें रजिस्टर्ड करने के बाद में ऑनलाइन भी आप इसके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं फिर बारी आती है हमारे ग्रुप बोनस की जो होता है हमारा सिक्स टू ट्वेंटी वन परसेंट आप किस तरीके से बढ़ेंगे मैंने आपको बताया था कि हर प्रोडक्ट पे अपने अपने पीवी होते हैं और ये पीवी जब जब जुड़ेंगे तो आपके स्टेटस को इंक्रीज करेंगे ये हमेशा जुड़ते रहते हैं इस तरीके से आपको इस कंपनी में हमेशा आगे बढ़ेंगे डिमोशन कभी नहीं होगा हमेशा प्रमोशन होगा तो एक हजार अगर आप करते हैं तो आपको सिक्स परसेंट मिलता है वहीं पर अगर आपके एक्यूबलेट होकर सेल पर नाइन परसेंट मिलता है टेन हो जाते हैं तो ट्वेल्व परसेंट मिलता है ट्वेंटी थाउजेंड हो जाते हैं तो फिफ्टीन परसेंट मिलता है थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाते हैं तो एटीन परसेंट मिलता, तो मिलता है और फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस हो जाते हैं तो ट्वेंटी वन परसेंट मिलता है और यहाँ पर कंपनी आपको रिगार्ड करती है आपका रिकॉग्निशन करती है और आप हो जाते हैं भैया है, अपना कर है, है, परचेजिंग करी एक हजार पी भी करे तो उस पर इक्कीस परसेंट का उनका बोनस आ गया एक स्टार एजेंट ऐसा है वो अपना माइंड से खेलता है कि यार मैं ना स्मार्ट वर्क करता हूँ क्या स्मार्ट वर्क करता हूँ कि मैं ना अपने पर्सनली थ्री थाउजेंड पी कर लूँ या तो तो मेरे को ट्वेंटी फाइव परसेंट मिलेगा या फिर मैं अपना खुद का एक हज़ार पी करता हूँ और साथ में कुछ लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ जो हाँ से नॉन स्टार एजेंट से थ्री टू थाउजेंड प्लस पी आ जाएंगे तो तो भी मेरे को ट्वेंटी फाइव परसेंट मिल जाएगा तो ऐसे आ, स्मार्ट वर्किंग वाले स्टार एजेंट होते हैं है ना अब हम आगे बढ़ते हैं ये कोई पर्सन है है ना डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इन्होंने क्या किया वन थाउजेंड पी के साथ में कंपनी को ज्वाइन किया फिर उसके बाद में इन्होंने कंचन जी और उनके हस्बैंड को ज्वाइन करा दिया उन्होंने भी अपना परचेजिंग करी फिर उसके बाद में एक और डाइटिशियन को ज्वाइन कराया और इन्होंने अपना फाइव हंड्रेड के साथ में ज्वाइनिंग की उसके बाद में एक और कपल गुजरात से जुड़ा ना और इन्होंने भी अपना परचेजिंग करी और इन्होंने पैंतीस सौ का परचेज कर लिया और सीधे नाइन परसेंट की से आप इन्होंने शुरुआत करी उसके बाद में हमारे नरेश जी आए उन्होंने कहा कि यार ठीक है मैं अपना एक हज़ार पी कर लेता हूँ कुछ लोगों को जोड़ूंगा अभी ठीक है उसके बाद में रवि जी हमारे साथ ज्वाइन हुए और उन्होंने अपने पाँच हज़ार पी किए उसके बाद में लता जी हमारे साथ ज्वाइन हुई जो कि अपना एक कंपनी में जॉब करती हैं और उन्होंने साइड वाइज इसको स्टार्ट किया और पच्चीस सौ के साथ में शुरुआत की यहाँ पे ये जो पर्सन है शुरू में आ, कंचन जी हैं इन्होंने एक डॉक्टर को ज्वाइन कराया कि भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है देखिए इसके प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए तो इन्होंने पाँच पाँच सौ पी का कुछ ले लिया उसके बाद में नरेश जी के नीचे इन्होंने अपने भाई को और किसी को उषा जी को ज्वाइन करा दिया आ, सो दैट कुछ पी तो होंगे तो इसकी वजह से उनका इंक्रीमेंट हो गया अभी लता जी ने भी क्या किया कि इनके एक जानने वाले थे अरविंद जी उन्होंने उनको ज्वाइन करा दिया और इधर जो ये अजय जी ज्वाइन हुए थे इन्होंने भी एक पर्सन को ज्वाइन करा दिया अभी आप ये देखिए कि कितना पीवी हो गया मतलब एक हजार ये खुद के फिर एक हजार यहां से 500 सौ पैंतीस सौ अगर हम इसका टोटल करें तो कितना होगा टोटल पीवी वी निकल करके कितने आएंगे बीस हजार पीवी अगर मैंने आपको पीछे बताया था कि बीस हजार पीवी पर हम कितने परसेंट पे होते हैं लिखिए जल्दी से बीस हजार पी कंप्लीट अगर हमारे अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हम किस परसेंटेज पे होते हैं ग्रेट 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 पंद्रह परसेंट पे यस yes. अब हमारे को खुद की परचेज का तो पंद्रह परसेंट मिलेगा इन लोगों से क्या मिलेगा इन लोगों से मिलता है डिफरेंस डिफरेंस में किस तरीके से मिलेगा हम उस पर बात कर लेते हैं ये आप हैं और आपने आपके खुद की परचेज पर एक हजार का पंद्रह परसेंट उसके बाद में नीचे से एक हजार प्लस पाँच सौ है ना और पंद्रह माइनस छः परसेंट यानी कि ये छः परसेंट पर है है ना यहाँ से आपको आ, इनका बोनस मिलेगा डिफरेंस मिलेगा यहाँ से आपको जो बोनस मिलेगा वो पूरा का पूरा मिल जाएगा क्योंकि ये जीरो परसेंट पर है यहाँ से, से डिफरेंस मिलेगा फिर यहाँ से भी डिफरेंस मिलेगा और यहाँ से पंद्रह माइनस नौ परसेंट फिर पंद्रह माइनस अगेन नौ परसेंट यहाँ से इनको डिफरेंस मिलेगा आपकी जो टोटल अर्निंग निकल के आएगी वो तेरह सौ अस्सी रुपये निकल के आएगी अब इन लोगों की क्या अर्निंग होगी कंचन जी की जो अर्निंग होगी उस पर हम बात कर लेते हैं वो होगी नाइन्टी रुपीज़ यानी कि खुद की एक हज़ार पी और नीचे से जो पाँच सौ पी आए उसका एडिशनल निकिता जी की कुछ अर्निंग होगी क्या नहीं होगी क्योंकि उन्होंने अपना परसेंटेज को कंप्लीट नहीं किया यहाँ से शिवानी जी की कुछ कंप्लीट हो गया हाँ तीन सौ इनको मिलेंगे नरेश जी को क्या मिलेगा एक सौ मिलेंगे और यहाँ पे रवि जी को क्या मिलेगा चार सौ पचास रुपये मिलेंगे लता जी को कितना मिलेगा दो सौ पचपन रुपये और आगे भी हैं इनको क्या मिलेगा कुछ नहीं अजय जी को क्या मिलेगा एक सौ अट्ठानवे रुपये और यहाँ गौरव जी को क्या मिलेगा एक सौ चवालीस रुपये उसके बाद में दिव्यांग जी डॉक्टर दिव्यांग को कितना मिलेगा कुछ नहीं यहाँ पे अरविंद जी को क्या मिलेगा सिक्सटी रुपीज़ ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वे में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि भाई किस तरीके से आपका बोनस डेवलप होता है अब एक बड़े बोनस की अगर हम बात कर लें कि ये आपने पाँच हज़ार पी वी करें और आप पच्चीस परसेंट पर हैं यहाँ पर ये पर्सन पंद्रह पर हैं ये नौ पर हैं अट्ठारह पर पंद्रह पर अट्ठारह पर और अगेन पंद्रह परसेंट पर अब आपकी इनकम कितनी निकल के आएगी जो फर्स्ट पर्सन है इन्होंने दस हज़ार पी वी के चार हज़ार पी वी पैंतीस सौ पी वी बीस हज़ार पी वी चालीस हज़ार पी वी और पच्चीस हज़ार पी वी इसकी जो परसेंटेज इस आपकी निकल के आई बारह सौ पचास रुपए एक हजार चार सौ चालीस छह सौ चालीस रुपये चौबीस सौ पचास दो हजार अट्ठाईस सौ पच्चीस सौ अब अगर हम इसको टोटल करेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन की भी जो इनकम निकल के आएगी बारह हजार सौ चालीस रुपये निकल के आएगी तो बारह हजार सौ चालीस रुपये स्टार्टिंग में मिलना नोटा मतलब इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है अब हम आगे बात करते हैं स्टार ग्रुप बोनस की स्टार ग्रुप बोनस यानी कि अगर आपके नीचे कोई भी एक स्टार आता है तो आपका इंक्रीमेंट हो जाता है आप 25 परसेंट पे थे हैं 27 परसेंट पर आपके साथ में आप एक और स्टार को डेवलप कर देते हैं यानी कि अब आपके नीचे दो डेवलपमेंट डेवलपर स्टार्स हो गए हैं ना आपने दो को डेवलप किया तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो ट्वेंटी हो गया आपने तीन स्टार को डेवलप किया तो थर्टी वन परसेंट उसके बाद में फोर स्टार एजेंट आपके डायरेक्ट में आए तो थर्टी थ्री परसेंट फाइव आए तो थर्टी फाइव परसेंट और उसके बाद में लास्टली सिक्स स्टार एजेंट आपके डायरेक्ट में जुड़ते हैं तो आपको मिलता है थर्टी सेवन परसेंट एंड यू आर द विनर लाइक है और आप स्टार डायमंड बन जाते हैं अब आपके डायरेक्ट में अगर तीन लोग आपके जुड़ते हैं और वो स्टार एजेंट बन जाते हैं आप उनको डेवलप कराते हैं तो आपको क्या मिलता है आपका रिकॉग्निशन होता है और आप पोस्ट post, पोस्टेड होते हैं स्टार रूबी की पोजीशन पर वहीं पर अगर आप एक और डायरेक्ट में जुड़ता है फिर एक और एंड एक और यानी कि छह लोग आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो अगेन आपका जो स्टेटस है वो बढ़ करके हो जाता है स्टार डायमंड पर तो ऐसे ही जब जब आपके नीचे और डायमंड डेवलप होंगे तो आपका स्टेटस हमेशा बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे हमेशा आपका प्रमोशन होता रहेगा ये सबसे अच्छी बात है फिर हम बात करते हैं अब डेवलपमेंट बोनस की जो होता है हमारा फाइव टू फिफ्टीन परसेंट अब आप थोड़ा सा खुश होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं है ना यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी हैं जिन्होंने ज्वाइन कराया था धर्मेंद्र जी को है ना और उनके नीचे से जो ग्रुप आया मतलब आपका पी आया वो दस हजार ग्रुप पी आया उसके बाद में इनके नीचे थे विनोद जी इन्होंने अपना बस एक हजार पी किए होंगे फिर फिरोज खान जी ने ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने आठ लाख पी उनका ग्रुप वॉल्यूम आया शाहरुख खान जी ने कुछ नहीं किया बहुत ज्यादा व्यस्त थे मूवी में सलमान खान जी भी व्यस्त थे और वो अपना थ्री थाउजेंड पी कंप्लीट नहीं कर पाए इस वजह से उनको ग्रुप बोनस नहीं मिल पाएगा फिर कैटरीना ने ध्यान दिया तो उनके नीचे से जो ग्रुप वॉल्यूम आ रहा था छह लाख पी का आ रहा था ऐसे ही रघुप्रीत कौर ने कुछ नहीं किया तो उनको कुछ नहीं मिला काजल के नीचे से जो ग्रुप वॉल्यूम आ रहा है वो पाँच लाख पीवी का आ रहा है और ऐसे ही समानता के नीचे से जो ग्रुप वॉल्यूम आ रहा है वो चार लाख वॉल्यूम आ रहा है अब हम डेवलपमेंट बोनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को कितने का फायदा होने वाला है दस लाख का पाँच परसेंट आठ लाख का चार परसेंट क्योंकि डेवलपमेंट बोनस ऐसी तो मिलता है पाँच चार तीन दो एक बीच की जो भी जनरेशन है अगर वो कुछ नहीं कर रही है तो नेक्स्ट जनरेशन आपके काउंट में आ जाती है तो पांच चार तीन दो एक के रूप में आपको यहां पे डेवलपमेंट बोनस आपको मिलेगा आपका टोटल डेवलपमेंट बोनस की यहां पे अगर हम बात करें तो वो कितना बैठता है वो होता है आपका एक लाख चौदह हजार रुपये सोचिए ये केवल एक लेग से है अगर ऐसी ऐसी दस लेग हो तो ग्यारह लाख चालीस हजार रुपये अगर बीस लेग हो तो बाईस लाख अस्सी हजार रुपए तो ऐसे ही जितनी भी ज्यादा लैग आप डेवलप करेंगे उतना ही पैसा आपको डेवलपमेंट बोनस के थ्रू आता जाएगा अब हम बात करते हैं कि ये इनकम ऑफ सोर्सेस कैसे कनेक्ट की जा सकती है कि भाई जब हम डायमंड बन गए तो हमारे को कैसे मिलेगा तो 5000 थाउजेंड पी अपने खुद के किए और इधर रवि जी के नीचे 31% के अकॉर्डिंग इनको वो आया 25% के अकॉर्डिंग 27% के अकॉर्डिंग ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी नाइन और के अकॉर्डिंग अब आपको क्या इनकम मिलने वाली है यहाँ से तो 5000 हजार जो पीवी आपने किए थे उसका 37% परसेंट है ना और उसके बाद में यहाँ से रवि जी से आपको कितना मिलेगा डिफरेंस मिलेगा सैंतीस माइनस इकतीस परसेंट प्लस डेवलपमेंट बोनस है ना जो कि आपका फाइव परसेंट इनके ग्रुप वॉल्यूम का उसके बाद में नीचे से भी तो स्टार एजेंट है तो वहाँ से भी आपको इनका सबका काउंट करके उसका फोर परसेंट मिलेगा तो ये तरीका होता है आपका डेवलपमेंट बोनस आने का और साथ में एक इनकम का अब अगर हम इनको टोटल करते हैं तो इनकी कितनी इनकम निकल के आएगी वो तो हम देख लेते हैं इनकी जो टोटल इनकम निकल के आएगी इतने ग्रुप वॉल्यूम पर वो आती है आपकी एक लाख एक लाख पाँच हजार सात सौ सत्तर रुपये अब हम बात करते हैं हैंड फोन इंसेंटिव की ये कोई पर्सन है इनके नीचे तीन लोग ज्वाइन हुए डायरेक्ट में और इन लोगों के कभी भी जब भी हो साठ साठ हजार पी वी हो जाए मतलब ओवरऑल तो क्या होगा आपको यहाँ कंपनी मोबाइल फोन इंसेंटिव देती है जो होता है आपका बारह हजार पाँच सौ रुपये ये वन टाइम आपको मिलता है उसके बाद में बात करते हैं हम ओवरसी ट्रिप कैश इंसेंटिव की जब आपके नीचे एक पर्सन आया उसको भी हैंडफोन इंसेंटिव मिल गया दूसरा आया डायरेक्ट में उसको भी मिल गया तीसरा आया उसको भी मिल गया चौथा डायरेक्ट में जुड़ा उसको भी मिल गया और पांचवा भी आया उसको भी मिल गया तो यह कंपनी आपको वन लाख रुपीज़ का इंसेंटिव देती है वन टाइम तो ये एक और आपकी इनकम हो गई उसके बारे में बात बात करते हैं लीडरशिप बोनस की लीडरशिप बोनस मैंने बहुत सुना था कि भाई बहुत अच्छी इनकम होती है और देख भी लिया फाइव टू फिफ्टीन परसेंट इसमें इनकम आपको मिलती है जब आपका ग्रुप डेवलप होता रहता है यानी कि आपका फर्स्ट जनरेशन से तो आपको हम हमेशा आपको फाइव परसेंट आएगा ही और सेकंड जनरेशन से आपके जैसे जैसे आपके नीचे डायमंड्स बढ़ते चले जाएंगे आपका जो ये बोनस का आ, रेशो uh, है वो भी बढ़ता चल जाएगा थ्री परसेंट फोर पॉइंट एट परसेंट फाइव पॉइंट एट परसेंट और इस तरीके से बीस जब आपके डायमंड्स होंगे आपके नीचे तो टेन परसेंट तक आपका चला जाएगा यानी कि फाइव प्लस टेन ग्रेट और ये अनलिमिटेड डेप तक आपको पैसा आता है उसके बाद में ग्रुप इंसेंटिव की हम बात करते हैं ग्रुप इंसेंटिव यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग देती है कंपनी अपना टू परसेंट निकाल करके ओवरऑल कंपनी की जो सेल होती है उसके सेल्स वैल्यू का टू परसेंट आपको मिलता है है ना आपका खुद को कितना मिला जो कंपनी का ग्रुप इंसेंटिव फंड निकल के आया उसकी मल्टीप्लाई होती है आपके खुद के जो अपने उस मंथ में फंड किया अपॉन आपका जो है जो सारे क्वालिफाइड स्टार अबव हैं उनके साथ में डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि सभी को मिलना है ना उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा टीएसआई यानी कि ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव वो भी आपको टू परसेंट मिलता है इसमें दो तरीके से आपको मिलता है एक तो स्टार एजेंट वालों को अलग मिलता है और स्टार डायमंड वालों को अलग मिलता है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो भी इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनको मिलता है फिर बारी आती है हमारे कि भाई हमने सारा कुछ देख लिया रिटेल प्रॉफिट देख लिया है ना और आपने ग्रुप बोनस देख लिया उसके बाद में स्टार ग्रुप बोनस देख लिया डेवलपमेंट बोनस देख लिया लीडरशिप बोनस हो गया ट्रे टी एस आई हो गया प्रॉफिट शेयरिंग हो गई मोबाइल इंसेंटिव हो गया ओवरसी इंसेंटिव हो, हो गया अब क्या रह गया कुछ रहा क्या बिल्कुल रहा आईओसी क्योंकि यहाँ तक का जो आपका प्लान आता है वो आता है सिम्स में सिंपल इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर और लास्ट आता है आपका आईओसी यानी कि आइसिंग ऑन द केक इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अनलिमिटेड टाइम तक आप पैसा कमा सकते हैं लाइफ टाइम द केक यानी कि आपके पास कुछ है और उसके ऊपर और क्रीम भी मिल जाए है ना तो यहाँ पे आपके नीचे कोई भी एक पर्सन है वो ज्वाइन हुआ तो उसने आईओ लिया और उस आईओ से आपको कितना आने वाला है उस आईओ से आपको आने वाला है पंद्रह सो रूपए यानी कि आपने एक बार आईओ ली उसके बाद में अपने नीचे किसी एक पर्सन को आईओसी दिलाई तो उससे आपको पंद्रह सो रुपए आ गए अब उस पर्सन ने भी अपने नीचे किसी को आईओसी दिलाई तो यहां से आप आपको कितना आएगा आपको एक हजार रुपये आएगा है ना मजेदार बात अब यहां से तीसरा पर्सन से लेकर के ग्यारह पर्सन तक यानी कि ग्यारहवीं जनरेशन तक पर जनरेशन आपको फाइव हंड्रेड रुपीज आते रहेंगे यानी कि पहली जनरेशन से आपको पंद्रह सौ रुपए आए दूसरी जनरेशन से एक हजार रुपए आए और तीसरी से ग्यारहवीं जनरेशन तक आपको पांच सौ रुपए पर हेड आ गया आपने इन्वेस्ट किया था एक बार और आपको मिल रहा है और अभी बारहवीं जनरेशन से लेकर के अनलिमिटेड डैप तक आपको 1.5 परसेंट की प्रॉफिट शेयरिंग आएगी आपने यहां पे किया क्या था आपने जस्ट बीस हजार रुपए के डीपी प्राइस के प्रोडक्ट्स को परचेस किया था वन टाइम और उन्ही प्रोडक्ट्स को आपने कन्वर्ट कर लिया अपना रुपये में तो इससे अच्छा इससे बेहतर सौदा और आपको क्या मिलेगा और आपको एक साथ में इतना प्रोडक्ट लेने का ये बेनिफिट है कि अगर किसी पर्सन को आप बता रहे हैं आपके पास वो प्रोडक्ट है तो वो तुरंत सेल हो जाती है तो सीड स्टॉक के रूप में ये आपका काम आता है और किसी भी अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो स्टार्टिंग आप कीजिए सिम्स के साथ जुड़ करके मतलब हजार दो हजार तीन हजार रुपये का प्रोडक्ट परचेज करके एज अ कंज्यूमर बनके है ना और जब आपको लगे कि भाई अब इसमें हमको करना चाहिए तो आप आईओसी भी ले सकते हैं, आईओसी लेने का आपको मैंने बेनिफिट बता दिया अब इसमें ये सब कुछ चीजें हो गई प्रोडक्ट हो गया कंपनी की प्रोफाइल हो गई है ना इसका जो बिजनेस प्लान है वो हो गया अब इसमें जुड़ा कैसे जाए जुड़ने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि भाई आप अट्ठारह साल के कम से कम होने चाहिए तो अट्ठारह एंड अब आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका कोई चार्ज नहीं है कोई फी नहीं है है ना और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कीजिएगा आप अपने अपलाइन का नंबर डाल सकते हैं इवन आज के टाइम में तो ऑनलाइन भी आप इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एक बेस्ट अपलाइन को चूज़ करके आप इसमें ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वो सपोर्ट करता रहे फिर बारी आती है अब इसमें करना क्या है जुड़ तो गए अब करना क्या है करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे एक अच्छे कंज्यूमर बनेंगे तभी तो आप शेयर कर पाएंगे अपनी बातों को कि भाई आपको गेनोजी शैम्पू से क्या मिलता है गेनोजी सोप से क्या बेनिफिट हुए अच्छा गेनोजी सोप का एक मैं बेनिफिट बता देता हूँ गेनोजी सोप से जब से मैंने अपने शेविंग करनी स्टार्ट करी है तो मेरे ब्लेड का खर्चा बहुत कम हो गया है मतलब एक ब्लेड जो मेरा चलता था दो या तीन बार अभी पिछले लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो शॉप्स तो ओपन हुई नहीं थी तो उस टाइम पे मेरा एक ब्लेड लगभग उसने करीब करीब 20 से ज़्यादा मेरे शेविंग आराम से हो गई थी और वो भी बिना किसी दिक्कत के तो ये बेनिफिट गेनोजी सोप का है ना कि ब्लेड का ब्लेड का तो आपका फ़ायदा हुआ उसके बाद में जब आप शेयर करते हैं तो आपके साथ कुछ एक नेटवर्क भी बिल्डअप होता है आपके साथ जब ये नेटवर्क बिल्ड होगा ना तो आपके पास अपने आप ही पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और Uh, कहते हैं कि भाई जब आप डेवलप करेंगे नेटवर्क को क्रिएट करेंगे नेटवर्क क्रिएट करना, यार करना न, या नेटवर्क क्रिएट करना यानी कि चैन सिस्टम ना भैया चैन सिस्टम तो हर कोई कर रहा है मैगडी भी अपनी चैन डेवलप करता जा रहा है जियो ने अपनी एक चैन चैन डाल दी है ना पूरे का पूरा नेटवर्क क्रिएट कर दिया अब जियो फाइबर्स लग गया हर कोई उसको यूज़ कर रहा है तो हम उसको पैसा दे रहे हैं ना तो ऐसे ही अगर हम नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं तो हम नेटवर्क बना भी तो सकते हैं तो बहुत इजी है कंज्यूम शेयर एंड बिल्ड द नेटवर्क और सिर्फ नेटवर्क बनाने से आपको क्या हो सकता है आपको बहुत सारे आपको इनोग्रेशन वगैरह हो सकता है आपको स्टेज पे मतलब इतना अच्छे से मतलब रिवॉर्ड किया जाता है मतलब मतलब उस स्टेज का मैं आप देख रहे हैं कि भाई मैं शब्द में बयान नहीं कर पा रहा हूँ मतलब इतना फन इतना अच्छा आपको लगता है ना ये कुछ पिक्स हैं जो हमने ट्रिप्स किए है ना बिकॉज ऑफ डीएक्न के भाई डीएक्सन में जाने का जो अलग ही मजा है वहां पे आप ना सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं पूरा फन होता है पूरा फन 2019 में हमने ये ट्रिप किया था आगरा का उसके बाद में ये गुजरात का ट्रिप अब लास्टली मैं ये कहूँ कि भाई आपको किससे सलाह लेनी चाहिए क्या चीज करनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि एडवोकेट का जो काम है वो एडवोकेट ही करेगा है ना अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो डॉक्टर के पास जाकर के उसका इलाज लेगा है ना किसी को चोट लग गई है तो वो वहां जाकर के अपना पट्टी करा लेगा ऐसा तो नहीं है वो आ, कोई मकैनिक के पास जाए कि भैया मेरी पट्टी कर दो भैया वो जो काम करता है वो जो मरम्मत करता है वो बाइक या साइकिल या कार की करता है वो इंसान की नहीं करता तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम लोग एक बार प्लान सुनने के बाद ना उसके पास एडवाइस लेने के पास जाते हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की एबीसीडी भी नहीं पता मतलब उसको इंफॉर्मेशन भी नहीं है ना उसके बारे में और हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में तो बेहतर है जो इस कंपनी में सक्सेसफुल है इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है हमें सलाह भी उसी से ही लेनी चाहिए तो आज की मेरी मीटिंग यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ इसी कहानी के साथ में और थैंक यू थैंक यू सो मच हैव अ गुड ग्रेट डे और आप लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे हेल्दी होंगे थैंक यू थैंक यू सो मच